2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। हर एक राज्य को लेकर अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही, जिसका उदाहरण अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। दरअसल अखिलेश यादव का मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के MY समीकरण यानी के मोदी और योगी को चुनौती देने की तैयारियां की जा रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों से नई रणनीति के साथ नजर आ रहे हैं। पहले गठबंधन के मोर्चे पर उन्होंने अलग संदेश दिया, अब समाजवादी पार्टी प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में पश्चिमी यूपी में PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी के लिए आगामी चुनाव में ये इलाका काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे, जहां उनके सपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। अखिलेश यादव के मेरठ दौरे की तस्वीरें सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, जिसमें एक मैसेज देने की भी तैयारी की गई कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया और अपनी सीटों को दोगुना किया, लेकिन अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठनात्मक मशीनरी की है, जहां पर समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं। इसके अलावा अखिलेश यादव सिर्फ एक व्यक्ति सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव के दौरान पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं। बहरहाल अभी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस MY समीकरण पर मोहर लगाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास MY समीकरण यानी के मुस्लिम और यादव वोट है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपने MY समीकरण यानी के मोदी और योगी को लेकर हुंकार भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।